हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ। ट्यूसडे ट्यूसडे के दिन का टाइम है ये। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और जैसे आपने देखा ही था कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैंने कपड़े ना अपने सारे निकाल रखे हैं, तो बस वो कपड़े ही अरेंज कर रही हूँ। तह मार के तो मैंने रख दिए थे पहले ही दिन, लेकिन फिर गद्दे निकालते रात को हम सोते समय ना, तो फिर मैंने आज सुबह वो किए, मतलब तह लगा के तो रख रखे थे। आज मैंने कहा चलो अरेंज कर देती हूँ। उस दिन नहीं कर पाई क्योंकि ना नहीं हो पाता इतना काम ना। हो तो कर तो रही हूँ हाथ से काम, लेकिन उतना नहीं हो रहा। बस उसे सपोर्ट दे रही हूँ थोड़ा सा, और काम नहीं हो रहा है, तो जितना हो सके उतना ही काम कर रही हूँ क्योंकि और भी काम है। और अब तो धीरे धीरे सारा ही काम संभाल रही हूँ। रोटी भी बना रही हूँ, हाँ मतलब बेल में रही हूँ, हस्बैंड सीख रहे हैं, क्योंकि उतना नहीं होगा कि तवा उठाना और ये उसो ना, भारी काम नहीं होगा। मतलब बर्तन भी हल्के फुल्के मैं धुलने लगी हूँ, बस भारी बर्तन ही धुल, तो लगभग सारा काम करने लगी हूँ। तो फिर ये कि अपने हाथ के हिसाब से ही करूँगी जितना होगा। तो फिर मैंने कहा चलो आज ही, तो कुर्ती वगैरह मैंने सारे उधर रख दी हैं, और अब ये मेरे नाइट वेयर है, और इसमें चुन्नियाँ हैं, तो ये मैं रख दूँगी अलमारी में जहाँ मेरे पहले रहते ही थे। तो बस ये इसमें यही है, कुर्ती और प्लाजो, वो मतलब लोअर वगैरह, क्योंकि आजकल ना यही पहने जाते हैं और इन्हीं में ही आराम मिलता है, नहीं पहना जाता सूट। मैंने पहना था कल, पहले के व्लॉग में देखा होगा आपने, लेकिन बिल्कुल भी नहीं वो किया। और मैंने ना बहुत सारे कुर्ते अपने ना रखे हुए थे, किसका ये करूँगी उसका वो करूँगी, किसी का कुछ नहीं होता, तो मैंने आज सारे निकाल दिए। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड बोले जब मैंने वो दिखाया ना उन्हें, मतलब मैं पैक कर रही थी वो ऐसे ही फालतू जो कपड़े होते हैं, बोलते तो ये नहीं पहनोगे? तो मैंने कहा देखो जरा, यहाँ ये यहाँ से फटा है, ये यहाँ से कुछ है, किसी का बटन टूटा है, किसी का कुछ है। तो फिर मैंने कहा इन्हें सारे निकाल ही देती हूँ, रख रख के कुछ नहीं होता है, बस वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो बस एक थैली कपड़े मेरे निकल गए थे, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा अलमारी हल्की हो जाती है ना ऐसे। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी नीचे वाली, मतलब दो पोर्शन में रहते, नीचे वाले आने जाने वाले कपड़े रहते, वो भी मैंने सेट करे अपने, बट उसका व्लॉग नहीं बनाया। और इसके बाद मैं सीधे आपको वेडनेसडे, मतलब आज मिल रही हूँ, आज की मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं हुआ पता। और ये कालीन निकल गया है, वैसे तो सर्दियों में निकलता है, बट हमने निकाल दिया दिन में ना, बच्चे नीचे सोते हैं तो इस वजह से निकाल दिया है, क्योंकि एकदम नीचे भी ऐसे नहीं लेटा जाता। तो आज ना जाले दिख रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने, आपको पता ही है, दो दो ढाई महीने हो गए मेरे एक्सीडेंट को, तो उससे पहले से ही मैंने नहीं निकाले होंगे शायद, मुझे याद भी नहीं है, तो दो ढाई महीने तो हो ही गए हैं। तो मैंने कहा यार आज जाले वगैरह निकाल देती हूँ। वैसे ना मैंने सफाई परसों ही पूरी कर दी थी, जैसे फर्नीचर हटा वगैरह हटा के, मतलब ज़्यादा फर्नीचर तो मैं हटा नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा जो भी है। तो मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर भी धूल वगैरह रहते हैं ना, तो इसके ऊपर भी सफाई कर देते हैं। और ये ना वो टेबल्स का वो है चार्ट, लेकिन नहीं चिपक ही नहीं रहा, तोड़ दिया बच्चों ने ना, तो फिर इसके ऊपर रख रखा, जब जरूरत होती है बच्चों को यहीं से निकाल देते हैं। तो मैंने कहा चलो अलमारी के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो धूल रहती है वो झाड़ देते हैं, और अपने जाले वगैरह निकाल देते हैं, क्योंकि और अच्छा नहीं लगता जाले दिखते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले कमरे में, और थे मेरे कभी इतने जाले नहीं हुए पता, आज बहुत जाले दिख रहे थे मुझे, और जाले वाला भी टूट गया, जो हमारे जाले निकालने वाला था ना, वो तो नीचे से ही चढ़ के निकाल लो, लेकिन वो ही टूट ही गया है। तो बस मैंने कहा चलो झाड़ू के सहारे सहारे कर ही लेती हूँ। फिर बस ऐसे ही चारों तरफ के जाले निकाले, जाले निकालने के बाद फिर से बेडशीट वगैरह कुछ, ये चादर वगैरह सब झाड़ने, बेडशीट मतलब सोफे कवर वगैरह सब झाड़ने पड़े, क्योंकि होता ही है वो थोड़ा बहुत धूल वगैरह, वैसे तो झाड़ू में आ जाती है, बट फिर भी धूल वगैरह झड़ती है ना। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से फिर सब झाड़ा वगैरह, और फिर उसके बाद पोछा लगाया अपना। तो बस ऐसे ही कर दिया अपना काम। और पहले दिन ना, एक तो बच्चों का ना आजकल ना वो भी हॉलीडे होमवर्क भी है, और अब आ लास्ट का हनु का तो मेरा कंप्लीट हो गया था पहले दिन, लेकिन आरव का ज़्यादा था क्योंकि उसके थोड़ा टफ़ भी है ना। तो बस यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, ये मैंने झाड़ दिए सोफ़े के कवर वगैरह सारे आपको दिखे रहे होंगे, झाड़ के मैंने बिछा दिए। मैंने कहा चलो अब झाड़ू लगा देती हूँ। रात को टेबल ना इधर उधर खिसका देते क्योंकि गद्दे बिछाते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से फिर वो क्राफ्ट जैसे कट कट का हो रहा है ना आजकल, तो फिर वैसे मैंने फ्रिज के पीछे से साफ़ तो कर ही दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा क्योंकि पंखे से ना आजकल सारा कूड़ा पीछे ही चले जाता है, पर ये फ्रिज वगैरह के पीछे, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा कर देती हूँ पीछे फ्रिज के। वैसे मैंने परसों झाड़ू पोछा पूरा परसों कर दिया था फ्रिज के पीछे से ही, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टेबल भी। और एक हन्नू की ये गाड़ी खेलता खेल नहीं रहा है पता है, बस लाया खेला नहीं इसने अभी तक भी इससे। तो ऐसे ही हैं बच्चे, बस खर्चा करना जानते हैं, खेलते कुछ नहीं है, खर्चा करना जानते हैं। तो पर ये होता है कि साल भर में एक बार वो मेला आता है, तो फिर होता भी है, फिर हमारे घर पास का मेला है, तो थोड़ा होता है कि बच्चों को जो चाहिए वो दिला देते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं फ्रिज देख रही थी, क्योंकि फ्रिज थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, तो फ्रिज का वो निकल जाता है, तो बस फ्रिज मैंने लगा दिया है। और अब झाड़ू लगा के इसके बाद फिर पोछा लगा दूँगी। अब फिर इसके बाद मुझे बाहर की सफ़ाई भी करनी है, आज बाहर की सफ़ाई मतलब झाड़ू ये करना है मुझे, मतलब मुझे
ये साफ़ करने दो, डोवर जैसे आप देख रहे होंगे कितनी धूल हो रखी है ना, जब झाड़ू से तो मैंने परसों झाड़ दिया था लेकिन गीले कपड़े से मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज ना मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एंट्री ही होती यहीं से ही है, मेन डोर ही गंदा हो गया तो क्या इंप्रेशन पड़ता है ना, अच्छा भी नहीं लगता है। और तो बस यहाँ पे मैंने धीरे धीरे मैंने ये भी कर दिया, फिर मैंने बाथरूम का डोर भी कर दिया था, फिर मैंने टॉयलेट का भी कर दिया था, और टॉयलेट के वहाँ पे खिड़की है वो भी साफ़ कर दी थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अपने घर को थोड़ा घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो ना 2 महीने से बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। वैसे मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से रखा था, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, उन्होंने फर्नीचर हटा के भी सफाई करी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये करती है तो उन्होंने भी करी थी, लेकिन वही है ना कि आदमी का काम आदमी का ही होता है, औरत का औरत का ही होता है, तो ये फ़र्क होता है। नहीं तो उन्होंने मतलब ये नहीं था कि जैसे संडे होता था, तो अब पता है बाहर ना बारिश हो गई है ख़तरनाक शुरू, और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे बच्चों को लेने ना जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलो मिलती हूँ फिर मैं आपको आगे, बारिश और मुझे ना बच्चों को लेने जाना पड़ेगा अब वहाँ पे, गली के बाहर पे छोड़ता है ना ऑटो वाला, तो जाती हूँ थोड़ी देर में लेने के। ओ यहाँ पे आके 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन आए नहीं, वैसे जल्दी आ जाते हैं लेकिन आज पता नहीं आई नहीं, और अब बारिश भी हल्की हो गई है, सोच रही हूँ घर जाऊँ, पर फिर सोच रही हूँ यहीं पे रहती हूँ, क्योंकि कल ना हनु यहाँ पे गिर गया था आते समय, तो फ़ोन तो करवा दिया मैंने इनसे, मेरे पास तो नंबर नहीं है लेकिन इनसे करवा दिया, तो बोल तो रहे हैं कि आने वाले हैं, तो देखती हूँ चलो 5 मिनट और रुक जाती, और बारिश भी ना बंद हो गई, इतनी तेज़ हो रही थी बंद हो गई। हाँ बेबी छाते तो आ गए हैं बच्चे, कल कहाँ पर गिरे आप बताओ? अच्छा तो हाँ आराम से चलो, फिर आज मत गिर जाना। तो ये एक हाउस बनाया था आरव ने यहाँ पे, चलो कोई नहीं अब आज नहीं गिरना, आज आज तो गीला भी है, चलो कपड़े धुलने मम्मी को जा रहे आगे। अच्छा ठीक है चलो गया। अच्छा तो फाइनली आ गए, बारिश हो गई थी ना बहुत तेज, अब मैं जाके कपड़े धुलूँगी क्योंकि इनकी ड्रेस भी धुल जाएगी, कल फिर बृहस्पतिवार है, कपड़े कम ही थे, फिर मैंने कहा आने दो ड्रेस धुल जाएंगे, और खाना बनाऊँगी। बोलता है मम्मी आलू के पराठे पापा ने अच्छे बनाए, तो आज पापा ने नहीं आज मैंने बनाए ना। हाँ अच्छे थे। हाँ मम्मी वो पापा जी खिला रहे थे पराठे, वो ले अपने पे। हाँ उनके भी। हाँ बेटा मैंने ही बनाया, नहीं तो पापा को कहाँ आता है, रुक जा फैन ऑफ कर, मैं थोड़ा वीडियो वो कर रही एंड कर रही, बंद कर दो ना थोड़ा। तो आज बच्चों को आलू पराठे खा के मजा आ गया, क्योंकि ना पता है हनु तब से बोलता आपका हाथ कब से सही होगा आलू के पराठे खाने। तो चलो अब बच्चों के कपड़े धुलती हूँ और काम तो खाना बनाती हूँ, और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे आज ही पोस्ट करना है, आज मेरा कोई वीडियो नहीं किया, तो 1 बजे तक, 1 या 2 बजे, हाँ 1 बजे तक ये चले जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में नए आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।